हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक करिश्मा एल्बम डिज़ाइन करना, जो कि इस तरह से होगा। और इस तरह से एल्बम डिज़ाइन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको फोटोशॉप के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा फोटोशॉप 7.0 है और इसके अंदर मैंने कुछ फ़ोटो इंसर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल लूँगा। फाइल में जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से साइज़ ले लूँगा। विड्थ इसकी रहेगी 36 और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 12, ठीक है। और रेजोल्यूशन इसका हम रखेंगे 300, प्रिंट के लिए चाहिए तो 300 ही रखें इसका, प्रिंट के लिए चाहिए तो 300 रेजोल्यूशन इसका रखें। और वाइट बैकग्राउंड पे ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो साइज है यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें एक बैकग्राउंड सबसे पहले फिल करना है। तो मैं इसी का एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ। तो इसको मैं इसमें ड्रैग करूँगा और इसको इसमें फिल कर दूंगा किसी तरीके से, ठीक है। ओके, फिल हो गया। उसके बाद में फ़िल्टर पे जाना है और इसको सीधा सा आपको ब्लर कर देना है, गॉसियन ब्लर पे। प्रीव्यू आपको यहाँ पे नज़र आएगा कितना आपको ब्लर करना है, यहाँ पे सारा दिखाई देगा। ओके कर दीजिए यहाँ से। ओके करने के बाद में इसको क्रॉप कर दीजिए, क्योंकि जो बाहरी एरिया है वो यहाँ से हट जाए। और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे, कंट्रोल यम करेंगे, इसको ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ओके, और अब हम इस पर काम करेंगे। अब ये वन लेयर वन जो है, और इसको दोनों को मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इसका जो काम था वो हो गया है। और अब हम जो इमेज है वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड में यू प्रेस करेंगे, यू। उसके बाद में यहाँ से एक शेप लेंगे इस तरह से, ये वाली शेप जो होती है, तो शेप हमको लेना है सर्कल वाली। तो उसके बाद में पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। कलर आप कोई सा भी रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे ड्रैग करेंगे, सिंपल सा आपको ड्रैग करना है और इस कोने में इसको रख देना है, ठीक है। इस कोने में रख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी बनानी है, ठीक है। अल्ट की सहायता से आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉपी बन जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं लेयर की जो कॉपी बन गई है, दो हो गई हैं। तो लेकिन अब मुझे यहाँ पहचान नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसका कलर चेंज करूँगा। तो यू प्रेस करूँगा, कीबोर्ड में यू प्रेस करूँगा, तो यहाँ से इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो इसका कलर हम कर देते हैं रेड कलर। ओके, हमने इसका कलर कर दिया है रेड। और इसको हम ले जाएंगे इस वाले शेप के नीचे, इसको हम इसके नीचे रख देंगे इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब मुझे इसके अंदर इमेज फिल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इमेज आपको लगानी है तो वो वाली इमेज यहाँ पे फिल कर लें। तो ये इमेज मुझे लगानी है, तो मैं इसको कंट्रोल ये करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और इस वाले शेप के अंदर आ करके इस वाले पीले वाले शेप में कंट्रोल वी कर दूँगा और कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर दूँगा। तो ये जो शेप थी, इसी के अंदर ये वाली इमेज आ गई है इस तरह से, ठीक है, राइट। और अब ये वाली शेप के अंदर भी मुझे एक इमेज लगानी है, तो मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसका काम हो गया है। और अब ये वाली इमेज कोई सा भी लगा लेते हैं, ये तो सेम इमेज है। तो चलिए मैं ये वाली इमेज इसमें फिल करूँगा। तो इसको मैं करूँगा ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और ग्रेडियंट मैप पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, यहाँ से भी ओके कर देना है और इन दोनों लेयर को मर्ज कर देना है। ये वाली जो है
कंट्रोल ई करेंगे तो ये दोनों लेयर मर्ज हो जाएगी, तो ये क्या होगी ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट बन गई। डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, तो अब हमको क्या करना है, कंट्रोल ये करेंगे इसको, कंट्रोल सी करेंगे, और जो हमारा एल्बम है एल्बम वाले शेप पे आएंगे, ये रेड वाली जो शेप है इस पर आकर के कंट्रोल वी कर देंगे वी, और उसके बाद में कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो जो इमेज थी वो इस शेप के अंदर चली गई है इस तरह से। और आप चाहें तो इसको इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, यानी इधर से उधर कर सकते हैं इस तरह से, और मुझे तो यही सही लग रहा है तो मैं इसको ऐसे कर दी। ठीक, मैंने इस तरह से इसके अंदर फिल कर दिया। ओके, इतना हमारा क्लियर हो गया, और अब बचता है ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, मुझे एक बॉक्स इंसर्ट करना है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए भी हम यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, और यहाँ से एक बॉक्स इंसर्ट करेंगे इस तरह से। ओके, इंसर्ट हो गया, और इस तरह से इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा करेंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद में एंटर कर देंगे। तो अब हमको इस शेप के अंदर भी एक इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा इमेज सही लगेगा। तो इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, और हमारे पास जो ये वाली इमेज बचती है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी इमेज को यहाँ पे लगा दिया जाए। तो इस इमेज को मैं कंट्रोल ये करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, और इसके अंदर आकर के कंट्रोल वी कर दूँगा। ठीक है, और कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर दूँगा, तो यहाँ पे इसके अंदर ये ड्रैग हो जाएगी इस तरह से। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी इधर रोटेट कर दें, सॉरी ये वाली इमेज जो है इसको रोटेट कर दें इधर। तो अभी ये कुछ सीधी लग रही है इस तरह से। ओके, क्लियर, ये क्लियर हो गया। और अब हमारा बचता है जो हमारे पास ये वाली जो इमेजेस जुड़ी हुई हैं, तो इसको भी मैं सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक सिंगल इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ, सिंगल इमेज, और सिंगल इमेज के लिए कंट्रोल वो करूँगा, और यहाँ से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ। डाउनलोड से मैंने ये वाली इमेज ले लिया है, और उसके बाद में इसको मैं इसके अंदर फिल कर दूँगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसको रख दिया। उसके बाद में अभी ये इमेज जो है ऊपर आ रही है, तो मैं इसको नीचे करूँगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, सेट करने के बाद में, ठीक है, सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ नॉर्मल है तो आपको इसमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है इसको क्लिक करना है, सबसे नीचे वाले ऑप्शन में। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में इसको इरेजर टूल की सहायता से इसको थोड़ा इरेज करेंगे, तो कीबोर्ड में ई प्रेस करेंगे, इरेजर टूल यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, और इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और याद रहे इसका जो डायमीटर है थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखना, जैसे यहाँ पे ब्रश वगैरह है ना, तो यहाँ पे सॉफ्ट ही चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यहाँ पे ले लें, और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें ताकि काम करने में थोड़ा जल्दबाजी हो, जल्दी से हो जाए। तो मैं अभी इतना ब्रश ले लिया हूँ, थोड़ा सा जूम करूँगा, और ये जो इमेज है मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। ध्यान रहे जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं वही लेयर सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं अब इसको इरेज करता हूँ, थोड़ी सी ओपेसिटी इसको कम कर लेता हूँ, और क्योंकि इस तरह से मुझे इसमें मर्ज करना है कि लगे ना कि हाँ अलग से लगाई गई है, तो मैं इस तरह से इसमें मर्ज कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इधर का भी सेम मैं इधर मर्ज करूँगा, ओपेसिटी मैंने कम किया है इसलिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मर्ज हो रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा काम और करना है, तो जो ये दोनों लेयर हैं इन दोनों को मैं मर्ज करूँगा, जैसे ये फ़ोटो है और इसके पीछे जो ये लेयर है, ठीक है, यानी शेप है, तो ये यही शेप है, यहाँ आप देख सकते हैं शेप टू और ये जो है लेयर थ्री, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा यहाँ पे जोड़ दूँगा इस तरह से, जोड़ दिया। उसके बाद मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा,
तो क्या हो गया, मर्ज हो गई, अब ये दोनों जुड़ गई एक में। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा इधर उधर घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल के लिए आप यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरह से। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस तरह इसमें मिला देना है, इस तरह से कॉर्नर जो इसका है, इस कॉर्नर में आपको इसको ला के रखना है और यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। ओके, थोड़ा सा गैप रखेंगे यहाँ पे। ओके, ये हो गया। और अब मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी और बनानी है, अल्ट की सहायता से एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है, और कॉपी बनाने के बाद में इसको यहाँ पे रख देंगे। ओके, ये हमने मिला दिया। अब मुझे इसके अंदर फ़ोटो फिल करना है, तो मैं दो फ़ोटो यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल वो करूँगा और यहाँ से एक ये फ़ोटो और एक ये फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो इस इमेज में कंट्रोल ये करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, जो येलो कलर की लेयर है इस पर मैं कंट्रोल वी कर दूँगा, यानी पेस्ट कर दूँगा, और कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर दूँगा, तो ये जो लेयर है इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में एरो बटन की सहायता से आप इसको ड्रैग कर लें इसके अंदर, क्योंकि अगर इधर छेड़ेंगे तो ये इमेज इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर लगभग में आ चुकी है, तो मैं इसको सेट करूँगा इसके अंदर। ओके, ये हमारा सेट हो गया। अब हमारा ये कि ये वाला बचता है, तो इसमें भी मैं एक इमेज है उसको मैं फिल करूँगा, तो ये वाली डिलीट कर देता हूँ और ये वाली इमेज को फिल करना है। तो सिंपल सा कंट्रोल ये, कंट्रोल सी, और इस वाले बॉक्स पे आकर के कंट्रोल वी और कंट्रोल आल्ट जी साथ में कर देंगे, कंट्रोल आल्ट जी, तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी। फिर से वही एरो की सहायता से आपको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब जो हमारा लास्ट बचता है, तो जो हमारी फर्स्ट लेयर थी जिस पे हम काम कर रहे थे, तो ये वाली लेयर है, तो इन दोनों लेयर को पहले मैं मर्ज करूँगा। तो यहाँ से इसको लॉक करूँगा, इस तरह से लॉक हो गई। उसके बाद कंट्रोल ई कर दिया, तो ये दोनों ऐसे जुड़ गई एक में, ठीक है, जुड़ गई। उसके बाद में इस लेयर पर आएँगे, ये वाली लेयर जो है, तो इस वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाली लेयर को लॉक कर देंगे इस तरह से, फिर से कंट्रोल ई कर देंगे, तो ये वाली भी यहाँ पे मर्ज हो जाती है, ठीक है। और इस पर हमको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में जो दो लेयर ये बॉक्स वाली बचती हैं, तो इनको भी मैं बारी बारी से मर्ज करूँगा। तो ये वाली जो लेयर है, तो ये वाली लेयर जो है इसके नीचे इसको लॉक करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे, मर्ज हो जाएगा। ये वाली जो लेयर है इसके नीचे लॉक करेंगे और कंट्रोल ही करेंगे, तो मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है सिंपल सा कि आप इसमें जो है स्ट्रोक लगाएंगे, तो स्ट्रोक मुझे लगाना है वाइट, तो ये पहली वाली लेयर जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से स्ट्रोक पे जाएंगे, और स्ट्रोक पे जाने के बाद यहाँ से कलर आपको सबसे पहले वाइट करना है, और वाइट करने के बाद में इसको इनसाइड करना है और इसको इस तरह से करीब 20 या 30 आपको यहाँ पे साइज इसका रख देना है, तो मैं 35 कर देता हूँ, 35। और उसके बाद में इसमें हम लगाएंगे ड्रॉप शैडो थोड़ी सी, इस तरह से ड्रॉप शैडो, और ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसमें स्ट्रोक और ड्रॉप शैडो का यूज़ किया। उसके बाद में हम यहाँ पे लेयर पे आएंगे और इसको कॉपी लेयर स्टाइल कर लेंगे। उसके बाद में ये वाली लेयर पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल, तो सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। उसके बाद इस लेयर पे आएंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल, और यहाँ पे आएंगे पेस्ट लेयर स्टाइल, यहाँ पे आएंगे पेस्ट लेयर स्टाइल, इस वाले में भी पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे,
ठीक है। और अब अगर कुछ लिखना चाहें तो हाइफी वेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट टूल पे जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा हाइफी वेडिंग HEADPPY हैप्पी वेडिंग। कंट्रोल ये करेंगे और यहाँ से फॉन्ट का जो थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। कलर इसका मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कलर वाइट रख देता हूँ यहाँ पे, और ओके, फिर से यहाँ पे ओके। और इसको जो हैप्पी वेडिंग लिखा है इसको मैं सबसे ऊंचे लेयर पे ले जाता हूँ ताकि ये दिखाई दे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एल्बम जो है फाइनल यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसको अब सेव करने की बारी है। तो फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले मैं फोटोशॉप मोड में सेव कर लेता हूँ कि बाय चांस अगर हमको कुछ चेंजेस करना है तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। 12x36 तो डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ पहले। देन मैं इसको जेपीजी में सेव करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट यस प्रेस कर दिया है और यहाँ पे जेपीजी फाइल में सिलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। क्वालिटी मैक्सिमम रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप बना सकते हैं एल्बम डिज़ाइन अपने फोटोशॉप के अंदर बहुत ही आसान तरीके से, आपको बताया और ये छोटी सी जानकारी आपको शेयर किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। साथ में और भी अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।